बाजार से ज़्यादा अच्छी चिकन कढ़ाई बनाना अब कोई मुश्किल बात नहीं। अगर आपको चिकन कढ़ाई अभी तक बनानी नहीं आती तो आप मेरी ये वाली रेसिपी फॉलो करें, आप बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छी चिकन कढ़ाई बनाना सीखेंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मज़ेदार कोयला चिकन कढ़ाई की रेसिपी। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलें हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है, आप बोनलेस की भी बना सकते हैं, वैसे ही मेरे पास बोन्स वाला है। 750 ग्राम्स मैंने चिकन लिया है। इसमें मैंने 3 लार्ज टोमेटोज़ रफली चॉप कर लिए हैं। ये 3 टीस्पून योगर्ट, आप योगर्ट की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। ये मैंने फ्रेश क्रीम ली है 2 टीस्पून, जिंजर पेस्ट 2 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून, 3 ग्रीन चिलीज कट कर ली, 1 टीस्पून सॉल्ट या अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। यह हमारी गार्निशिंग का सामान है जो हम एंड पे यूज़ करेंगे। लेमन जूस 1 टेबलस्पून लेमन जूस, और ये मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ बड़ी वाली इस तरह से 4 कट लगा कर रखे हैं, ये हम गार्निश करेंगे। ये लंबा कटा हुआ अदरक है, धनिया के पत्ते हैं कटे हुए, और ये लीमू के स्लाइसेस हैं। ये घी है, घी या ऑयल 1/2 कप, आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल या घी जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपनी चिकन कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर आप ऑयल डाल लें, जब गर्म हो जाए तो उसके अंदर चिकन ऐड कर दें। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हम अच्छी तरह से तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे, आपने आंच हल्की नहीं करनी। अगर आप आंच हल्की करेंगे तो चिकन पानी छोड़ देगा, जिसकी वजह से कढ़ाई में से स्मेल आने लगेगी, चिकन में से स्मेल आएगी। इस तरह से आपने अच्छी तरह फ्राई करना है, चिकन का कलर ब्राउन हो जाए। ये देखें आप चिकन का कलर कितना अच्छा सा चेंज हो गया है, काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया और इसके साथ फ्राई करेंगे, इससे चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और चिकन के अंदर बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह इसके साथ फ्राई करेंगे लहसुन और अदरक पेस्ट के साथ। ये आप देखिए चिकन फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, रेड पेपर, टर्मेरिक और ब्लैक पेपर। अब इसको सारे स्पाइसेस मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, आपने अपने आंच हल्की नहीं करनी, मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने कढ़ाई बनानी होती है, कढ़ाई को बिल्कुल भी कम आंच पर नहीं बनाते। इस तरह से मिक्स करने के बाद टोमेटोज़ ऐड कर दिए, मैंने 3 टोमेटोज़ लिए थे, आप क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज़ ना करिएगा, कढ़ाई का फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से मिक्स करेंगे, भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। अब इसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड कर दी इस पॉइंट पर ताकि फ्लेवर आ जाए। कोयले का पीस गर्म होने के लिए रख दिया है तेज़ आंच पर, हमारी मज़ेदार सी कोयला कढ़ाई रेडी हो रही है। अब इसके अंदर 2 टीस्पून योगर्ट ऐड कर दिया, आप इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, अगर आपको ग्रेवी कम चाहिए तो आप स्किप कर दीजिएगा। ये देखिए आप भुनाई की पहचान, तेल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर क्रीम डाल दी, क्रीम ऑप्शनल है, ये एंड पर डालते हैं बिल्कुल लास्ट स्टेप में। अब लेमन जूस डाल दिया साथ ही और मिक्स कर लेंगे। क्रीम अगर आपके पास नहीं है तो ना डालिएगा, मैंने फ्रेश क्रीम यूज़ की है। इसके बाद आपने जिस भी बाउल के अंदर सर्व करना है उसमें गार्निशिंग करें, जब सारा वाटर ड्राई हो जाएगा तो उसको कढ़ाई में या जो भी आपके अपने बाउल लेने हैं उसमें डालकर ग्रीन चिलीज, लंबा कटा हुआ अदरक, लेमन के स्लाइसेस सर्व करें। अब हम इसको स्मोक देंगे, कोयला हमारा गर्म हो रहा है, जैसे ही रेड होगा इसके अंदर रखेंगे। धनिया भी डाल दिया, अब इसके अंदर कोई भी एल्युमिनियम फॉइल ले लें, रोटी का टुकड़ा ले लें या इस तरह की कोई चीज़ ले लें, इसके अंदर कोयले का पीस रखें और 1 ड्रॉप ऑयल का डालकर ढक दें फ़ौरन से। 1 ड्रॉप ऑयल डालते ही यूँ स्टीम बनेगी। ये आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आप इस तरह किसी के आगे गार्निश भी कर सकते हैं। बड़े रेस्टोरेंट्स में हम जब जाते हैं तो वो इसी तरह हमें सर्व करते हैं, हमारे सामने ही जब वो लिड उठाते हैं तो इस तरह से स्टीम निकलती है।
स्मोक हुआ हुआ चिकन कढ़ाई देखिए यहाँ कितनी मज़ेदार देख के ही नज़र आ रहा है। आप इस तरह से बनाएं, दावत में बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं। बहुत मज़ेदार चिकन कढ़ाई रेडी है, बहुत क्विक, बहुत इजी। अब हम इसके अंदर से जो हमने बाउल रखी थी छोटी सी वो उठा देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।